राजस्थान में शादी के 2 महीने बाद 1,80,000 रुपए में अपनी पत्नी को 55 वर्षीय व्यक्ति को बेचने के आरोप में 17 वर्षीय किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी किशोर ओडिशा के बुलांगीर जिले का रहने वाले हैं। बेलपाड़ा थाना प्रभारी बुलू मुंडा ने बताया कि नाबालिग किशोर सोशल मीडिया के जरिए 24 साल की लड़की के संपर्क में आया और दोनों एक दूसरे से प्यार हो गया, जिसके बाद दोनों ने परिवार और पारंपरिक तरीके से उनकी शादी कराने पर राजी हो गए। शादी के ठीक 2 महीने बाद किशोर ने कुछ आर्थिक समस्याओं का हल देते हुए अपनी पत्नी को अपने साथ रायपुर ले जाने के लिए ईंट भट्ठे में काम करने और एक साथ कमाने के लिए कहा, लेकिन इसके बजाय वो अपनी पत्नी को राजस्थान के एक गांव में ले गया। अगस्त में दंपति एक ईंट भट्ठे में काम करने के लिए रायपुर और झांसी के रास्ते राजस्थान गए। हालांकि अपनी नई नौकरी के कुछ दिनों बाद किशोर ने अपनी पत्नी को 12 जिले के एक 55 वर्षीय व्यक्ति को 1,80,000 रुपए में बेच दिया। अपनी पत्नी को बेचने के बाद किशोर ने खाने पर बहुत खर्च किया और उस पैसे से महंगा स्मार्टफोन भी खरीदा और अपने पिता को ओडिशा में घर वापस बुला लिया और आरोप लगाया कि वो किसी के साथ भाग गई है। लड़की के परिवार ने उसकी कहानी नहीं मानी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उसके कॉल रिकॉर्ड की जांच की और उसकी कहानी में कुछ गड़बड़ी पाई। शिकायत के आधार पर मामले की जांच के लिए बुलांगीर के एसपी नितिन कुसालकर ने टीम गठित की। एसपी ने बताया कि हमने उससे पूछताछ की और पता चला कि उसने अपनी पत्नी को बेच दिया है। लड़की का पता लगाने के लिए बुलांगीर की एक टीम राजस्थान गई है। ओडिशा से पुलिस टीम को 12 गांव पहुंचने के बाद लड़की को बचाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और लड़की को पुलिस के साथ जाने के मूड में नहीं थे। 55 वर्षीय व्यक्ति ने कहा कि हमने उसे 1,80,000 रुपए में खरीदा है। हालांकि राजस्थान पुलिस कर्मियों के सहयोग से ओडिशा की टीम लड़की को निकटतम पुलिस स्टेशन ले जाने में सफल रही। लड़की से पूछताछ करने पर कहा कि वहां जाना चाहती है। उसने कहा कि वो ओडिशा में अपने माता पिता के पास वापस जाना चाहती है। उसके बाद ही ग्रामीण उसे जाने के लिए राजी हुए। हालांकि किशोर ने दावा किया कि उसने अपनी पत्नी को नहीं बेचा, बल्कि उसने उसे 60,000 रुपए में गिरवी रख दिया था। उन्होंने कहा कि उन्हें पैसे की जरूरत है, क्योंकि उन्हें दिल की कुछ समस्याएं हैं और उन्हें सर्जरी की जरूरत है। 17 वर्षीय किशोर को शुक्रवार किशोर न्यायालय में पेश कर सुधार गृह भेज दिया गया है।